अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से टिक्का सैंडविचेस, और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। बस इसकी चिकन को मैरिनेट करते हैं करना होता है और ग्रिल करते हैं, मतलब फ्राई पैन पे, बहुत ईजीली बहुत मज़ेदार से बनते हैं और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी झटपट से बनने वाली। तो चले आइए, मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो चले गए, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, क्लब सैंडविच कह लें, सिंपल चिकन के सैंडविच कह लें, बहुत मज़े के होते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, बहुत सिंपल इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग यूज़ करेंगे। ये मैं ले रही हूँ गार्लिक पाउडर, आप जिंजर गार्लिक पाउडर ले सकते हैं या फिर फ्रेश भी ले सकते हैं। ये हमारा है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून भुना हुआ, ब्लैक पेपर पिसा हुआ 1 टीस्पून, गरम मसाला भी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, अच्छा रेड चिली पाउडर लें या रेड चिली पाउडर ले लें 1.5 टीस्पून, या पेपरिका पाउडर ले लें अगर आपको स्पाइसी नहीं करना, तो आप पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं या फिर ये रेड वाला रेड चिली पाउडर ले लीजिए 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर हम यूज कर रहे हैं 1 टीस्पून, इस पे जाएगा 2 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें, सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। चलिए तो मैरिनेट करते हैं हम चिकन को। चिकाई दी चिकन ले ली हमने, 2 ब्रेस्ट चिकन है, इसको मैंने इस तरह से कट लगा के इस तरह से छोटे पीसेस कट कर लिए, ठीक है ना, इतने हमें पीसेस चाहिए इस तरह से। इसको हम मैरिनेट करते हैं जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे। इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब मैं इसमें डालती जाऊंगी। अच्छा गाइस, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है, अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। अच्छा गाइस, अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए 1 आवर के लिए रख दूंगी। अच्छा गाइस, ये मैरिनेट हो गई है हमारी चिकन, 1 आवर इसको हो गए, अब हम इसको कुक कर लेते हैं। चलिए गाइस, हम अपनी चिकन को कुक करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको हम बना पकाते हैं, तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं कवर करके। तो गाइस देखिए, हमारी चिकन अभी रेडी हो रही है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें, मैं आपको दिखाती चलूँ। बस 5 मिनट्स और मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी क्योंकि ये हो गई है। क्या ही, हमारी चिकन रेडी हो गई है और मैं अब चूल्हे को बंद कर दूंगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन हमारी रेडी हो गई है। इसको हम अब इसको हम ठंडी करने के लिए निकाल के रख देंगे। नहीं तो हमें चिकन तो रेडी हो गया, अब हम उसको ठंडी करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और आप लोग जो इतनी महंगे बेकरी से जाके लेते हैं सैंडविचेस, पता नहीं कैसे वो लोग बनाते हैं,
कितने गंदे हाथों से, तो बेहतर ये है कि अपने घर के बने हुए सैंडविचेस हों और बहुत कम प्राइस में आपको बहुत सारे सैंडविचेस आराम से घर पे आप बना सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको सैंडविचेस बना के भी दिखाती हूँ। जो गाइस चिकन टिक्का जो चिकन है ये रेडी हो गई है। अब इसको हम यहाँ कट कर लेंगे क्योंकि जाहिर बात है बहुत मोटे मोटे से पीसेस आ रहे हैं, तो हम अपनी चिकन को हाफ हाफ करके कट कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे सैंडविचेस इस तरह से। आप ये हो गए हमारी कटिंग हो गई इसकी चिकन की। अब हम सैंडविचेस को रेडी करते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच के लिए मायोनीज, केचप, क्यूकम्बर और जो चिकन हमने रेडी की वो यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मेयोनीज लगा लेंगे। चिकन इसमें ऐड करेंगे। चिकन थोड़ी ज्यादा यूज किया करें फिर मजे की बनेगी। बच्चों को भी चिकन से ज्यादा अच्छे लगते हैं। हम दूसरा लेयर लेंगे, इस पर हम केचप लगाएंगे। केचप लगा के हम केचप लगाने के बाद हम इस पर लगा देंगे अपना क्यूकम्बर। एक लेयर देंगे इसकी क्यूकम्बर की। बहुत ही ईजी, बहुत सिंपल है, बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। बस आपके पास चिकन रेडी हो और बच्चों को आप फौरन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से ये बनते हैं। और अब हम इसकी एक लेयर देंगे दोबारा। अब जो हम देंगे सेकंड ये लेयर चिकन की देंगे। पहले हम लगाएंगे मायोनीज। मायोनीज लगा लेंगे। आप लोग इसमें चाहें अगर बच्चों को देना चाहें तो क्रीमी भी होते हैं, क्रीम वगैरह बच्चे यूज लेते हैं शौक से, तो आप लोग वो भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये हमारा एक सैंडविच रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप सैंडविचेस सारे रेडी कर लीजिएगा। मजेदार ये चिकन बनती है, टिक्का चिकन आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी थोड़ी सी मैं चिकन लगाऊंगी। उसके बाद अब हम ये एक लेयर है इसकी, उसको हम करके बस हम उसको हम कट करेंगे। अच्छा अब हम इनके, ये हमने दो रेडी कर लिए हैं, अब मैं इसके किनारे काट लूंगी, कट कर लूंगी। से चारों के किनारे काट लीजिए आप लोग और इसको जाया मत कीजिएगा। ये हम लोग बना सकते हैं, ड्राई करके हम यूज कर सकते हैं इसके किनारों को, तो फेंकिएगा नहीं इनको, यूज कर लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इसके। और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये सैंडविच आप देखिए मजेदार से हमारी ये टिक्का सैंडविचेस रेडी है। देखिए कितने मजेदार से बने हैं हमारे। बहुत ही मजेदार से बने और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आराम से। देखिए
हम पैक कर देंगे, रैप करके आपको दिखाएंगे। देखिए गाइस, इसको हम रैप कर देंगे अपने सैंडविच को। रैपिंग कर लेंगे हमारे सैंडविचेस, बच्चों को लंच बॉक्स में भी देने के लिए काम आएंगे। इस तरह से आप करके इसको रखिए, देखिए ठीक है ना। इस तरह से हमारे सैंडविचेस सारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार से बने। तो गाइस हमारे ये रेडी हो गए हैं सैंडविचेस, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा सैंडविचेस को, बहुत ईजी बनेंगे, बहुत टिक्का सैंडविचेस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह।